पूरी भर रख दी 15 सितंबर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश जीके का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके हम भाग 22 कर चुके थे और 600 प्लस प्रश्न हम इसके कर चुके थे। ये हमारे 5000 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट सीरीज़ है। आप इसके पूरे भाग नहीं देखे हैं तो आप इसके पूरे भाग देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप मेरे ये नोट्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये मुझसे 5000 फैक्ट ले सकते हैं जिसकी हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कब कौन सा नोट्स तैयार हो रहा है। ये जो मैंने 5000 फैक्ट निकाले हैं, बहुत सारी बुक्स जो हैं जैसे कि पुणेकर है, महावीर है, घटना चक्र निर्माण IAS है, मुकेश माहेश्वरी है, इनका सार निकाल के निकाली हूँ। तो आपको बस इन्हीं को ही अच्छे से तैयार करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। मैंने बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है, एक एक पैरा को मैंने वन लाइनर फॉर्म में बदल दिया है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पे व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के नोट्स भी पूरे पेपर्स के सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये MPBSC में और अदर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भोपाल से, हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल से सबसे दूरस्थतम जिला कौन सा है। मतलब भोपाल से ऐसा कौन सा ज़िला है मध्य प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है, करीब 800 किलोमीटर पड़ता है ये। और सीधी सिंगरौली आपने सुना होगा, इसको ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है। तो भोपाल से दूरस्थतम जिला कौन सा है, सिंगरौली है। नेक्स्ट है हम भोपाल से इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल से सटे 5 जिले कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से ज़िले हैं जो भोपाल से सीमा बनाते हैं, तो गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर एंड राजगढ़। ये 5 ज़िले हैं जो भोपाल से सटे हैं और भोपाल में संभाग में के पास हैं, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला कौन सा है, ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मतलब जिसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा जब सबसे ज़्यादा लगती हैं, तो कौन सा है वो ज़िला, वह है नीमच। नीमच ज़िला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है भारत में। और तो ये बोल रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत है, तो पूरा भारत का केवल 9.38% मध्य प्रदेश ही है। मतलब लगभग 10% पूरे 27 ज़िलों में मध्य प्रदेश ही 9.38% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका कितना भूभाग अलग हो गया, तो 135,913 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 30.47% भाग छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। कितना हो गया, 135,913 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 30.47%। मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो किस प्रकार का है, मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था और इतना भाग जो उसका अलग हो गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सीमांत ज़िले कौन से हैं। देखिए, मैंने ये डायग्राम में बताया हुआ है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मतलब पूर्वी सीमांत ज़िला है सिंगरौली, उत्तरी सीमांत ज़िला है मुरैना, मतलब सबसे उत्तर में मुरैना पड़ता है, सबसे पश्चिम में अलीराजपुर पड़ता है और सबसे दक्षिण में बुरहानपुर पड़ता है ना। तो दक्षिणी सीमांत ज़िला है बुरहानपुर, पूर्वी सीमांत ज़िला है सिंगरौली, उत्तरी सीमांत ज़िला है मुरैना और पश्चिमी सीमांत ज़िला है अलीराजपुर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी भाग में कितना अंतर होता है।
तो मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश का ये जो पूरब है मतलब सिंगरौली और ये पश्चिम मतलब अलीराजपुर, यहाँ से यहाँ में पूरब और पश्चिम में कितना अंतर होता है, कितने मिनट का अंतर होता है सूरज में आने में, तो ये होता है 34 मिनट का अंतर होता है, 34 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, ये 8.4 अक्षांश रेखा है और एक अक्षांश पे 4 मिनट लगता है, इसलिए हमने 8.4 × 4 किया है तो कितना हो गया है, 34 मिनट हो गया है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 ज़िलों से होकर गुजरती है। भारत की मध्यान रेखा मध्य प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरती, भारत की मध्यान जो रेखा है इलाहाबाद के से होकर जो गुजरती है 82.5 डिग्री, मध्य प्रदेश के केवल एकमात्र ज़िले से होकर गुजरती है, वो है सिंगरौली। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा स्थान है जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या में पांचवा बड़ा है, पहले छठा था लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना भारत में अलग जिला बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो ये पांचवा बड़ा बन गया है। मध्य प्रदेश का स्थान साक्षरता में कौन से स्थान पर है, तो 28वें स्थान पर मध्य प्रदेश साक्षरता में है, बहुत बुरी स्थिति है साक्षरता में मध्य प्रदेश की। एसटी जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबल जिसको बोलते हैं, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, और मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछे कहाँ रहती है, तो अलीराजपुर झाबुआ में, झाबुआ में मेनली सबसे ज़्यादा जो है जनजाति रहती है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, पृथ्वी पूरे पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, उज्जैन में एक जगह का नाम है मंगलनाथ, वही मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। नेक्स्ट है अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, अखंड भारत मतलब जब भारत टूटा नहीं था, जो भारत के अलग अलग विभाजन नहीं हुआ था, तब भारत का केंद्र बिंदु कौन था, तो बता भारत का केंद्र बिंदु था वैशाली। वैशाली कहाँ है, ये बैतूल ज़िले में है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, वैशाली बैतूल। अभिवक्त भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, अभिवक्त जब भारत विभक्त नहीं था, तो अभिवक्त भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो वो था करौंदी। ये करौंदी कहाँ पे है, कटनी में है। अभिवक्त भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, करौंदी कटनी में है। आपसे पूछें कि वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, तो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा जिले में है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा जिले में है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पे है, भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। याद रखिएगा भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। मध्य प्रदेश की उत्तरी अक्षांश स्थिति बताइए, 21°6 से 25°30 तक। मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर स्थिति बताइए, 74°59 से 82°66 तक है। मध्य प्रदेश का निकटतम द्वीपीय देश कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे निकट वाला द्वीपीय देश है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका सबसे निकटतम द्वीपीय देश है। मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला जो कि दक्षिण में है वो मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्वतमाला है। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला विंध्याचल है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ में है। कहाँ पे है, धूपगढ़ में, और धूपगढ़ कहाँ पे है, पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, मध्य प्रदेश श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। मध्य प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले सिंगरौली में होता है। सिंगरौली जिसको हम ऊर्जा राजधानी बोलते हैं, वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने 670 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के किए, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
फ्रेंड्स ये मेरा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पैकेज है, जिसमें आपको लूसेंट, एमपीजी के घटना चक्र, पुनरा लोकन, करंट, खेलकूद, स्पीडी मिलेगा। साथ में आपको 20,000 फैक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश मिलेगा, जिसमें आपको लूसेंट, घटना चक्र, पुनरावलोकन और स्पीडी के फैक्ट मिलेंगे। इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ आप मुझे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।